अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और आप सबको हैप्पी संडे। और संडे को सब कुछ अलग करते हैं घर पर। तो आज मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैं किसी वजह से मार्केट नहीं जा पाई हूँ। तो आज घर पर ही ना एक मैं खास रेसिपी बनाने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ में मैंने सोचा मैं वो रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो वो रेसिपी भी शेयर करूँगी और छोटा सा ब्लॉग है, आप उसे भी फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइज़, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ छत पर, और आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो यहाँ पर सारे के सारे कपड़े लगे हुए हैं। नीचे तो धूप आती ही नहीं है ठंड में, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ना ठंड में छत पर इस तरीके से रस्सी बांध करना कपड़े फैलाने पड़ते हैं। और रस्सी जो है ना, वो हमारी वो पिछली बार वाली ना टूट गई थी, तो इसलिए अभी मुझे फ़िलहाल काम चलाने के लिए इस तरीके से एक जुगाड़ करना पड़ा है। तो यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं और एक घंटा हो चुका है इन्हें फैले हुए, तो काफ़ी ना ये सूख भी गए। और इस टाइम धूप आ रही है ना, तो बहुत ही मज़ेदार धूप लग रही है। ठंड की धूप वैसे ही बहुत मज़ेदार लगती है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर्दियों में किस किस को धूप लेना पसंद है छत पर आकर। उधर ऊपर देखे ना, तो कबूतर वगैरह भी सारे धूप सेक रहे हैं। कपड़े यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर में धूप सेकूंगी और उसके बाद चलते हैं नीचे, और आपके साथ में बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए मैंने यहाँ पर गाजर ले रखे हैं, और इसे मैंने ना पहले अच्छी तरह से वॉश किया था, फिर उसके ऊपर से इसकी जो स्किन है ना उसे मैंने पील कर लिया, और उसके बाद मैंने इसे इसी तरह से ना छन्ने में डालकर रख लिया था। क्योंकि जब भी आप गाजर का हलवा बनाए ना, तो उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से ना कद्दूकस कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसका बनाऊँगी हलवा। अच्छा, हलवे की रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बस अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर गाजर जो है ना वो कद्दूकस कर लेती हूँ, और फिर आगे का जो प्रोसेस है ना गाजर के हलवे का, बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे का, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। पर अभी थोड़ी ही गाजर घिसी है, और यहाँ पर आके बैठ चुके हैं डेजी, और डेजी सोच रही है कि क्या हो रहा है। डेजी, येजू, येजू, आपको खानी है गाजर? नो, इन्हें नहीं खानी गाजर। पर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला या भगोना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ गाजर का हलवा। और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ फुल क्रीम दूध। तो ये 2 किलो के करीब दूध है, और ये फुल क्रीम है, और इसे हम सबसे पहले ना अच्छे से बॉईल आने तक के लिए ना रखेंगे गैस पर। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है, तो चलते हैं इन्हें कुक करने। तो दूध में यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, और थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पर मैं गाजर को ऐड करती रहूँगी। यहाँ पर 2 प्लेट की गाजर मैं यहाँ पर ऐड कर चुकी हूँ भगोने में, और अभी सीधा नहीं यहाँ पर एक और बाकी है। जब ये थोड़ी नीचे हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं बाकी वाली गाजर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ी नीचे हो जाएंगी, बहुत ऊपर आ रही हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर बाकी बची हुई गाजर भी ऐड कर दूँगी, और ये सारी गाजर हैं 4 किलो के करीब, 4 kg के करीब यहाँ पर गाजर हैं, और उसी हिसाब से 2 किलो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया था। और इसे भी अब हम दूध के साथ में अच्छी तरह से पकने देंगे। अभी हमें इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, ना ही इलायची ना ही चीनी। जब तक गाजर अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए और दूध रिड्यूस ना हो जाए ना, तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे, ताकि जो दूध है ना वो भी अच्छी तरह से गाजरों के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर हम पहले से चीनी डाल देते हैं ना इसके अंदर, तो फिर जो गाजर है ना वो कड़क हो जाती हैं, और उससे जो है ना गाजर का हलवा मज़ेदार नहीं बनता। तो अभी हम इसे इसी तरह से कुक होने देंगे, अलग से पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग कुकर प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, हाँ वो जल्दी बंद हो जाता है, और लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना वो प्रॉपर हलवाइयों वाला टेस्ट नहीं होता है उस गाजर के हलवे का। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से दूध को भी ड्राई होने देंगे और गाजर को भी सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ऐड करते जाएंगे, वो मैं आपके साथ बताती जाऊँगी।
और गाजर का भी अपना मॉइस्चर होता है, वो भी अभी रिड्यूस होगा तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मज़ेदार बहुत बनता है ये हलवा। चीनी कितनी ऐड करनी है, देसी घी कितना ऐड करना है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बता दी जाऊंगी। और ना वैसे अपने हिसाब से भी हम ऐड कर सकते हैं देसी घी और चीनी, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। और देसी घी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो डाइट कॉन्शियस होते हैं और वो कम ऑयल या घी लेना पसंद करते हैं। बीच बीच में इसको बिल्कुल चलाते रहेंगे, रख के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी फ्लेम जो है ना वो फुल है, तो इसलिए यहाँ पर बीच बीच में से ना इस तरह से चला देंगे नीचे से, ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है, गाजरों के साथ में तुम्हें थोड़ा ऑयल से कुक होने देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं 4 किलो हलवे के हिसाब से, मतलब मैंने 4 किलो गाजर ली थी, तो यहाँ पर अभी मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और थोड़ी चीनी मैं और ऐड करूँगी बाद में, क्योंकि अगर मुझे कम लगी ना तो मैं और चीनी ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 500 ग्राम ही चीनी यहाँ पर ली है और थोड़ी थोड़ी करके हम इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने 5 इलायची डाली हैं। पेज पर आकर जब दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, यहाँ पर मैं आधी चीनी ऐड कर दूँगी और आधी चीनी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अभी चीनी भी अपना मॉइस्चर ना छोड़ेगी और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और इसके अंदर देखिए अब कितना लिक्विड हो चुका है दोबारा से। तो अभी यहाँ पर इसे अच्छी तरह से थोड़ा खुश्क होने देंगे, उसके बाद इसमें दोबारा चीनी ऐड करेंगे। और अभी 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, और यहाँ से मैं ले लूँगी थोड़ा देसी घी और इसे ऐड कर देंगे हम हलवे में, थोड़ा बाद में ऐड करेंगे कि गाइस। तो अभी हम इसे फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक होने देंगे। और यहाँ पर खोए की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 तरीके का खोया, एक तो है दानेदार खोया जो कि हलवाई ज़रूर डालते हैं गाजर के हलवे में, तो ये 1 किलो के करीब है दानेदार खोया, और 600 ग्राम के करीब है नॉर्मल वाला खोया। तो ये दोनों खोया ही मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, और ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाला टेस्ट चाहते हैं ना, तो आप उसे दानेदार खोया ना उसमें दानेदार खोया ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके के दोनों खोए लिए हैं। तो यहाँ पर हमने बची हुई वाली चीनी भी सारी ऐड कर दी इसके अंदर, और अगर मुझे कम लगी ये 1/2 किलो के करीब चीनी की, तो मैं थोड़ी और चीनी लेके ऐड कर दूँगी, ये मैं टेस्ट करने के बाद करती हूँ। यहाँ पर फिर से चीनी डालने के बाद में चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसे भी फुल फ्लेम करके रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद इसमें घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चीनी का पानी रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये दानेदार खोया है इसे हम फ्राई कर देंगे देसी घी। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर डाल देंगे देसी घी, और देसी घी गर्म होने के बाद में हम इसमें खोया फ्राई कर देंगे। कलर थोड़ी बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बहुत ही मामूली से आता है, लेकिन ना इसे फ्राई कर देते हैं तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा वाला खोया भी होता है, वो भी मैं इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर दूँगी या फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध भी और चीनी का जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी, और इसमें हम इसे इतना भूनेंगे बिल्कुल के गाजर में जो पानी या मॉइस्चर है ना और जो दूध है वो सब कुछ बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरीके से भुना हुआ गाजर का हलवा ना आप रखकर 1 से 1.5 महीने तक भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये हमने अच्छी तरह से भुना हुआ होता है ना। तो आप इसे बना कर रख दें फ्रीज़र में, और जब भी आपको खाना हो माइक्रोवेव करें और आप खा सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर ये घी डाल चुके हैं, तो इसे हम अभी थोड़ी देर फुल फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद स्लो फ्लेम पर कर भूनते जाएंगे, और इसे हम बिल्कुल उसी तरीके से भूनेंगे जिस तरीके से हम कुछ अपनी रेसिपी या मतलब कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, उसे हम भूनते हैं जिस तरीके से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं ना, इसी तरीके से हम इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे दानेदार खोया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो मैं आपको साथ के साथ बता दी जाऊँगी।
और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं गाजर का हलवा जो है ना वो कितनी अच्छी तरीके से भुन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से भुना है जिस तरीके से हम कुछ खाना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका घी देख सकते हैं साइडों में आ गया है, तो ऐसा परफेक्ट गाजर का हलवा भुना हुआ होना चाहिए। और ये अब स्लो फ्लेम पर करके मैं और भूनती जा रही हूँ थोड़ी देर और, क्योंकि जितना भी आप भूनेंगे ना फिर उसके बाद आप इसे कितने लंबे टाइम तक रखकर आराम से खा सकते हैं। और यहाँ पर ठंड इतनी है, जो मैंने दानेदार खोया हल्का हल्का सा फ्राई किया था ना यहाँ पर जम गया है, तो यहाँ पर मैंने आधा खोया ले लिया है और आधे खोए को हम इसी तरीके से गाजर के हलवे में डालेंगे और गाजर के हलवे के साथ में हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे और जो आधा जो दानेदार खोया है ना वो हम रख देंगे बाद में डालने के लिए। तो अभी यहाँ पर पहले मैंने आधा मिक्स कर लिया है और उसे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से गाजर के साथ में मिक्स करके भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है इस तरीके से गाजर का हलवा। तो आप भी इस रेसिपी को ना बिल्कुल प्रॉपर मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा और मैंने यहाँ पर दानेदार हलवा ऐड किया है गाजर के हलवे में और इसे भी काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे ताकि प्रॉपर ये सब तरह मिक्स हो जाए। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ काजू ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। यहाँ पर बचा हुआ वाला भी दानेदार खोया ना ऐड कर देंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह से स्लो फ्लेम करके भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है और चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके गाइस, तो सबसे पहले ना जिनकी फरमाइश पर मैंने बनाया है गाजर का हलवा वो सबसे पहले इसे टेस्ट करेंगे और इसका रिव्यू देंगे कि ये कैसा बना है, क्योंकि बहुत दिन से जो है ना वो फरमाइश की जा रही थी मुझसे गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा बन चुका है। ओके गाइस, तो हलवा बन चुका है और यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर गाजर का हलवा आ चुका है रिव्यू देने के लिए। सच्ची वाला रिव्यू चाहिए, फेक नहीं। फेल हो गया भी। क्या फेल हो गया? अग्रवाल भी फेल, हल्दीराम भी फेल, अच्छा नीचे वाला भी फेल, छैनाराम भी फेल। अच्छा कसम से, कसम से देख लो, फेक रिव्यू नहीं होना चाहिए। ना ना ना, ना हम तो फेक वाली बात। ओके, तो मतलब जो मुझे देखने वाले हैं वो बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी से गाजर का हलवा। कोशिश करें। ओके, बन जाएगा उन लोगों से भी इंशाल्लाह। ओके।